दोस्तों यह है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का 9th सेट 9वां सेट। जिन बच्चों को नहीं पता है कि सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन क्या है तो उन्हें मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन YouTube पे अपलोड किया जाने वाला वीडियो का एक सीरीज होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और यह यूट्यूब पर WF में 11:30 बजे अपलोड होता है। लगे हाथ इसकी खासियत बता दें कि यह सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है। मतलब कि जो स्टूडेंट हिंदी से पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ने वाले हैं, दोनों के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। और यह आपको टेस्ट देने के लिए, रिवीजन के लिए और नॉलेज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप +2 लेवल के किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह किस क्लास का है, किस चैप्टर का है और यूट्यूब पे कितने बजे अपलोड होता है। साथ साथ में आपको यह भी बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी अपलोड किया जाता है जो कि TTS में आता है। और वैसे अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे जो आई बटन दिख रहा है उस पर आपको वीडियो शो करेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह सीरीज कब से आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है और यह किस किस क्लास के लिए और किस किस टाइमिंग में आता है। और इस चैनल पे सिर्फ बोर्ड से ही रिलेटेड नहीं बल्कि स्टडी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके का रेड कलर का बटन वीडियो के नीचे कहीं दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और आगे के सारे नए नए सीरीज को देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आगे अपलोड होने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चल जाएगा और आप वीडियो को तुरंत देख पाइएगा। साथ साथ में वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके यह बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या इस चैनल से क्या सुधार चाहते हैं बिल्कुल ना भूलें। और वैसे तो सब बच्चे इस फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप पटना के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल फ्री में बोर्ड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बदले हुए नए पैटर्न के हिसाब से होगा। और यह 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा जिसमें 10 माइनर टेस्ट और 15 मेजर टेस्ट, मतलब कि कुल मिलाकर आपको 25 टेस्ट मिल जाएंगे। माइनर टेस्ट चैप्टर वाइज होगा, मेजर टेस्ट जो होगा वो आपको पूरे फिजिक्स के सिलेबस को मिलाकर होगा। इसलिए आपको कहेंगे कि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप खुद सोचिए ना कि 25 टेस्ट देने के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम में 26वां टेस्ट दीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा पढ़ाई आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चंस देखा हुआ है, लगे हाथी आपके टैलेंट को जांच करने के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाई। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब डाइइलेक्ट्रिक को किसी परावैद्युत सबस्टांस को किसी परावैद्युत मटेरियल को जब हम बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट क्यों जाता है। तो देखिए कैपेसिटर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अपने टीचर से अपने सर से पढ़े होंगे कि जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर का, बाहर का नहीं डाइइलेक्ट्रिक के अंदर का, उसका विद्युतीय क्षेत्र घट जाता है। ऐसा क्यों, इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैं इसका आंसर नीचे जाके आपको लिखा हुआ बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं, बता देता हूं और यही बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। अगर आप इस एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं और पीछे का कोई भी सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए, पीछे से सारे वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका पीछे का भी सारा क्वेश्चन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जब आपके पास कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, आप लोगों को पता होगा कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं किसी भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है, मतलब कि अचालक पदार्थ को डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब वाय विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, देखिएगा ध्यान से ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं एरो से दिखा रहा हूं, तीर से दिखा रहा हूं, ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है। तो मान लीजिए जो बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है ये आपका ई वेक्टर है। मैं कह रहा हूं जो बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है ये आपका ई वेक्टर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस डाइइलेक्ट्रिक को रख दिया हूं। तो क्वेश्चन ये है कि अंदर में मतलब कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ई वेक्टर है
उससे कम क्यों हो जाता है। मतलब मैं बता दूं कि कहने का मतलब यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलम है, मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलम बोलिए या 10 वोल्ट पर मीटर बोलिए, इसके बारे में तो मैं पहले बताया था कि न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर कुछ भी आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में मैंने बताया था। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, डायलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 10 से कम होगा, 8 न्यूटन पर कूलम होगा, 7 न्यूटन पर कूलम होगा, 6 न्यूटन। आखिर ऐसा कमता क्यों है, हमको इसी के बारे में बताना है। तो देखिए, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायलेक्ट्रिक को रखेंगे तो देखिए इधर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है कि इस डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एटम्स होते हैं, इसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं पहले ही बताया हूं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, इस घटना को मैं बोलता हूं प्रेरण। मतलब आप ये बोलिएगा कि जब डायलेक्ट्रिक को हम रखेंगे, जब डायलेक्ट्रिक मटेरियल प्रवैधुत पदार्थ, देखिए यहां पर हिंदी में बोला जा रहा है प्रवैधुत पदार्थ है, प्रवैधुत पदार्थ को किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक साइड पर निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक साइड पे निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और दूसरे साइड पे पॉजिटिव मतलब कि प्लस चार्ज जमा होगा। इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, देखिए इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, दाएं तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर के सतह पर प्लस चार्ज जमा हो जाएगा और उसके उल्टा मतलब जा रहा है दाएं तरफ तो बाएं सतह पर निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब देखिए इसके कारण क्या होगा वो समझिएगा। देखिए तो इस डायलेक्ट्रिक के अपोजिट सर्फेस पे, इस सर्फेस पे, इस सर्फेस पे चार्ज जमा हो गया, इधर आपको प्लस हो गया, देखिए जहां पे मैं पेंसिल से रहा हूं इस पे आपको प्लस जमा हो गया और इस पे आपको माइनस जमा हो गया, तो इसके कारण, इस प्लस के कारण माइनस तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब जहां टीचर से पढ़ रहे होंगे वहां आपको पढ़ाया गया होगा कि प्लस से माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसको हम ई इंटरनल बोलते देते हैं। मैं कह रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसका मैं नाम ई इंटरनल दे देता हूं। तो आप लोग खुद सोचिए कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर था और अंदर में इसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ई इंटरनल जमा हो गया, तो जो नेट आएगा वो कम आएगा कि नहीं। अगर नहीं समझे तो देखिए यहां पे मैं समझा देता हूं। मान लीजिए बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, आप पढ़े होंगे, आप ऐसे समझिए, फोर्स से समझिए ना, देखिए ना एक बॉडी है उसे इधर 10 न्यूटन से आप खींच रहे हैं, इधर की ओर इस वस्तु को आप इधर की ओर 10 न्यूटन के फोर्स से आप खींच रहे हैं और कोई बंदा कोई दूसरा आदमी इधर की ओर खींच रहा है आपको 2 न्यूटन के फोर्स से, तो बताइए तो क्या ये 10 से खिंचाएगा, कहेगा आप सर नहीं क्यों बोलिएगा कि सर इधर 2 से खींच रहा है इधर 10 से, तो ये जो 2 है इसमें से 2 को बैलेंस कर लेगा तो बॉडी आगे जाएगा 8 ही से, बॉडी आगे जाएगा 8 ही न्यूटन के फोर्स से, इसलिए 8 न्यूटन के फोर्स से आगे जाएगा क्योंकि इसका 2 इसके 2 को बैलेंस कर लेगा और इसके पास बचेगा 8 न्यूटन। सिमिलरली यहां भी वैसे ही होता है कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका 10 है ही, इसके कारण क्या होगा ना कि अंदर में, मैं कह रहा हूं इसके कारण क्या होगा, तो इसके अंदर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इंटरनल का जो डायरेक्शन होगा ना वो एक्सटर्नल के उल्टा में होगा, तो उल्टा में होगा तो वो बैलेंस करने का कोशिश ना करेगा, इसलिए जो नेट होगा वो एक्सटर्नल से कम होगा। अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 वेक्टर के बीच जब एंगल 180 डिग्री हो, अपोजिट हो, तो उसका जो नेट आता है वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस बात को नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही मैं डायलेक्ट्रिक को, प्रवैधुत पदार्थ को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कारण डायलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज जमा हो जाता है, आवेश जमा हो जाता है और इस आवेश के कारण जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टा डायरेक्शन, देखिए उधर नहीं, उसके उल्टा डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और जब उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो उसके कारण जो नेट आएगा, बाहर का तो बाहर है ही, मतलब बाहर का तो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उल्टा डायरेक्शन में जो डेवलप हुआ तो जो नेट आएगा वो कम जाएगा, इसीलिए डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। अब देखिए इसे मैं एग्जांपल से, उदाहरण से समझा दूं। मान लीजिए आपका ये जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 10 न्यूटन पर कूलम है, ध्यान दीजिएगा आपका ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है और ये जो आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, मान लीजिए आपका ये 2 न्यूटन पर कूलम है इंटरनल अंदर वाला, तो आप खुद देखिए ना ये 10 न्यूटन पर कूलम एक्सटर्नल है और अंदर वाला 2 हो गया, तो आपको अंदर में जो नेट आ जाएगा नेट वो 8 आ जाएगा क्योंकि इधर की ओर 10 इधर की ओर 2 और आपको जो नेट आ जाएगा 8। मैं इतना एक्सप्लेन करके आज इसलिए समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि जनरली देखिए इसमें कॉन्सेप्ट वेक्टर का यूज है और जनरली जो 12th में बच्चे होते हैं और वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा नहीं ध्यान वाली बात नहीं है, एक्चुअली इतना समय हुई हो जाता है ना कि लोग भूल जाते हैं और वेक्टर में ही बताया गया होगा कि अगर 2 वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में हो तो जो नेट होगा वो घटकर आएगा। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं लिखा हुआ पढ़कर समझा देता हूं कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को क्लियर कर देता हूं जो मैंने एक्स्ट्रा में समझाया है, मैं उसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं
ठीक है। तो देखिए, और एक बात को आपको याद रखिएगा कि जब आप आंसर लिखिएगा ना, तो आंसर में मैं कह रहा हूं कि एक बात को याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखिएगा तो आंसर में ना आप इस फिगर को भी जरूर ड्रॉ कीजिएगा। जब आप इस तस्वीर को ड्रॉ कर दीजिएगा ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मतलब कि अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि तस्वीर को ड्रॉ करने से चेक करने वाला के दिमाग में ये बात आता है कि लड़का के पास ना नॉलेज है, ये पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ बढ़िया से, और आपका कॉपी जो आंसर होता है उसका भी लेंथ बढ़ जाता है। तो देखिए आंसर में कहा जा रहा है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, देन अपोजिट चार्जेज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इंडक्शन, मतलब इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण परावैद्युत पदार्थ के सतह पर विपरीत आवेश जमा हो जाता है। कह रहा है सो एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, कहा जा रहा है इसलिए इसके कारण परावैद्युत के अंदर बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के अलावा एक और अंतः विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसका जो दिशा होता है अंतः का, वो बाहरी के दिशा के विपरीत होता है, उल्टा होता है, अतः परावैद्युत के अंदर कुल विद्युतीय क्षेत्र का मान बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से कम होता है। अगर आप इसे समझ गए तो मैं यही कहूंगा कि इसका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, और अगर समझ गए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आप सभी को पता है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि आज का सवाल पूछता हूं, जिसका आंसर अगर आप लोग को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हैं। और हमें पता है कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं उसमें अधिकांश लोग इसका आंसर देते हैं, जो रेगुलर व्यूअर हैं वो इसका आंसर बताते ही है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं पीछे के सीरीज में बता दिया हूं। अगर आप लोग आंसर नहीं जान रहे, किसी वजह से भूल गए, तो पीछे के सीरीज को रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे में कहा जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन प्लेट, मतलब कहा जा रहा है कि वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देने पर समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस प्रकार प्रभावित होती है, किस प्रकार चेंज होती है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और यही कहेंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रोज क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और उनका तो हमको नाम भी बिल्कुल याद हो गया है, और वो सब बच्चे फोन करके कॉल करके भी डॉट पूछा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चे कॉल करके डॉट पूछते हैं, वो रात 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, तो मैं आपका फोन अच्छा से उठा पाऊंगा और ज्यादा अच्छा तरीका से आपका डॉट क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं क्लास में रहता हूं, बैच में रहता हूं, इसलिए फोन उठा नहीं पाता हूं। आप लोग का मिस्ड कॉल चला जाता है और आप लोग को लगता होगा कि सर फोन उठाते नहीं है, इसलिए बिल्कुल बेहिचक होकर कॉल कीजिए, लेकिन रात 9 बजे के बाद। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स एक्सप्लेन इट, मतलब आवेशों के आदान प्रदान से ऊर्जा की हानि होती, इसे व्याख्या करें। तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से मैं समझा दूं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर जिस पे आपको चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, आपका किसी भी तरीके का चार्ज हो सकता है। मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज ही है, मैं आउटर सर्फेस पे चार्ज का फिगर ड्रॉ करूंगा इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर में चार्ज सिर्फ बाहरी सतह पर जमा होता है, अंदर पर नहीं जमा होता है। और आपने क्या किया कि इसे किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो आप खुद बताइए कि जैसे दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कीजिएगा तब तो चार्ज का फ्लो होगा, एक कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा, और जैसे चार्ज बहेगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो आपको पता है कि कुछ ही क्षण के लिए इससे ही जो तार है, ये जो बीच में तार है या जो भी कंडक्टर है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब कि करंट फ्लो होगा। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो आपको पता है कि तार के प्रतिरोध के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, करंट का जो एनर्जी होता है, वो हीट में, HEAT मतलब उष्मा में बदल जाता है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में बदला तो आपका एनर्जी का लॉस हो गया। फिर से मैं समझा दूं इस बात को कि जिस कंडक्टर से जिस कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर करेगा तार के जरिए, या जैसे भी ट्रांसफर करेगा स्थानांतरित होगा, तो पक्का वहां पे कुछ ही देर के लिए ही सही, लेकिन करंट तो बहना ही बहना है। करंट बहेगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, तो करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का फ्लो होगा। तो विद्युत धारा फ्लो होगा तो आपको पता होगा कि हर एक कंडक्टर में प्रतिरोध होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा वो हीट एनर्जी बदल जाएगा और एनर्जी का लॉस होगा। और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया तो मैं लिखा हुआ पढ़कर सुना देता हूं कि क्या कहा जा रहा है। तो देखिए आंसर में कहा जा रहा है, व्हेन चार्ज ट्रांसफर देन करंट फ्लोज एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मतलब
याद रखिए, जब आवेश का आदान प्रदान होता है तो विद्युत धारा बहती है और प्रतिरोध के कारण विद्युतीय एनर्जी का कुछ भाग उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए आवेश के आदान प्रदान में ऊर्जा की हानि होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो मैं बता दूं कि इस सीरीज में, इस सेट में आज आपको मात्र 4 क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से कैपेसिटर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए था वो मैंने दे दिया, और अगले दिन से आपको जो 2 मार्क का जितना भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जिसको बोल रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, शॉर्टकट में आप लोग SBM भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, तो अगले दिन से इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट का आएगा, मतलब कि अगले दिन से करंट का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से देखते रहिए, याद करते रहिए, और वहीं बोलेंगे कि तुम सीख के बिल्कुल पढ़ने के भाव से देखिए, बिल्कुल पढ़ने और सीखने के भाव से देखिए, ऐसा नहीं कि बस इंपॉर्टेंट का नाम सुने और हवा में देख लिया और आधा पे 2 मिनट देखे और छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। जो रेगुलर व्यूअर है उन्हीं से मैं कह रहा हूं, जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं, मेरे यहां कॉल करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे SMS करते हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि सबके सब बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, और जिनको व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, जिनको कुछ नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि वीडियो के नीचे कहीं कहीं आपको एक नंबर शो करेगा, जो पहला नंबर है वो वहीं से चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां बिल्कुल SMS करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर 2 फेसबुक पेज पटना स्टूडेंट और एमिंग हाई को जरूर लाइक कर लें, क्योंकि इस चैलेंज से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको उस फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया जाता है, साथ साथ में स्टडी से रिलेटेड जितना भी न्यूज होता है वो भी पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सजेशन लूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और सजेशन ये है कि देखिए यहां जो आई बटन दिखेगा यहां पे कॉर्नर पे, उस पे आपको एक वीडियो शो करेगा, मैं कह रहा हूं यहां जो आई बटन दिखेगा कॉर्नर पे यहां एक वीडियो शो करेगा, उस वीडियो को देखकर बताइए कि क्या हमको इस तरीके का वीडियो आगे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये बोल देंगे कि नहीं फायदेमंद होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, अगर यस बोलेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि यह जो वीडियो है वो आपके स्टडी से रिलेटेड न्यूज का वीडियो, तो मैं चाहता हूं कि हर एक संडे को पूरे सप्ताह का, पूरे वीक का स्टडी से रिलेटेड जितना भी न्यूज हो, क्या चेंजिंग हुआ, किस बोर्ड में क्या चेंजिंग हुआ, क्या स्टडी न्यूज चल रहा है, वो मैं सबके सब वीडियो बनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तो कमेंट में यस कर दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए, नो करने हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, तो मैं झूठ मुठ का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आगे आप लोगों के लिए स्टडी ही वीडियो लाऊंगा। तो तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कहा जा रहा कि आपके पास 3 कैपेसिटर, 3 संधारित्र है जिसे हम लोग सीरीज में जोड़े हैं, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3 माइक्रोफैराड, मतलब इसका जो तुल्य धारिता आया वो 3 माइक्रोफैराड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदी नहीं लिख पाया, देखिए यहां पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि आपके पास 3 संधारित्र है और उसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो उसका जो तुल्य धारिता है वो 3 माइक्रोफैराड है। कहा जा रहा है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि उसको अगर हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ दें, देन कॉम्बिनेशन, देन फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, तो जब हम लोग इसे समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, तो बताइए कि अब उसका नया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया, देखिए क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल हो गया, एक तरीके का न्यूमेरिकल हो गया, मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है, मतलब आपके पास जो 3 कैपेसिटर, मान लीजिए एक का धारिता C1 है, दूसरे का धारिता आपको C2 है, और तीसरे का धारिता आपको C3 है, और मान लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों बराबर कहा जा रहा है, इसलिए उसको आप X के बराबर मान लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने इन तीनों को बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है और इक्विवेलेंट आपको 3 माइक्रोफैराड है, तो आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया है, आप लोग अपने शिक्षक से भी पढ़े होंगे, अपने टीचर से भी पढ़े होंगे, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है उसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, अगर 3 है तो 1/C3, यहां पे 3 है तो मैं 1/C3 तक करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कहा जा रहा है कि तीनों के तीनों बिल्कुल बराबर, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखिए 1/C1 का वैल्यू हो गया 1/X, 1/C2 का भी वैल्यू हो गया 1/X, और यहां पे 1/C3 का भी वैल्यू हो गया 1/X, और आप खुद देखिए कि यहां C इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई 3 माइक्रोफैराड, तो इधर जब मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा 1/3, इधर मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा 1/3, तो यहां से देखिए 1/3 इक्वल टू आ गया, सॉरी ज्यादा लंबा खींचा गया लाइन, 1/3 इक्वल टू हो गया, यहां पे मैं इसे साफ कर दे रहा हूं, मैं इसे हटा दे रहा हूं,
तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू आपको हो गया, इधर आप देखिएगा तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x इधर जुड़ने में आपको आ जाएगा 3/x, तो 1/3 इक्वल टू 3/x अगर यहां से सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहां से x आपको आ जाएगा, इधर x चला जाएगा इधर गुना में, इधर 3 × 3 आ जाएगा 9, मतलब जो x की वैल्यू आ गई 9 माइक्रोफेराड, मतलब कि ये जो तीनों कैपेसिटर है ये भी 9 का है, ये भी 9 का है और ये भी 9 का है। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, नहीं नहीं इतना पे मत रुकिए, अभी और आगे चलना है, ये आपका आंसर नहीं हुआ 9 माइक्रोफेराड आपका आंसर नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तब इक्विवेलेंट निकालिए, न्यूमेरिकल का मतलब कि अगर दो नंबर का है तो भगवान भी दो नंबर नहीं काटेंगे अगर आपने सही बनाया है, न्यूमेरिकल का मतलब कि अगर आपने सही बनाया है तो दो में दो भगवान भी नहीं काटेंगे, आपको दो मिलेगा, न्यूमेरिकल का मतलब ही होता है, बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल ये नियम है, इसलिए पूरा के पूरा बनाइए। तो देखिए अब हम लिखेंगे नाउ, यहां पर लिख लीजिएगा नाउ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर लिख लीजिएगा नाउ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या लिख लीजिएगा अब जब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, अब जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपको पता है, इसके बाद लिखिएगा कि C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है समानांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि C1 + C2 + C3 और इसका जो डेरिवेशन है इससे पहले वीडियो में ही मैंने करके बताया, इस वीडियो से जो पहले वीडियो आया था जस्ट पहले उसी में मैंने इसका डेरिवेशन करके ही बताया था और बोला था कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने डेरिवेशन करके बताया था, ठीक है। तो यहां से जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, देखिए पैरेलल में तो आपको कितना आ गया, ये भी आपको 9 आ गया, ये भी 9 और ये भी 9, C1 C2 C3 9 आ गया, मैंने यहां पे देखिए निकाला है, तो C1 भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो 9 + 9 + 9 जोड़ दीजिएगा तो नोटी आपको आ जाएगा 27 माइक्रोफेराड आपका आ गया आंसर। तो आप इसी तरीका से बोर्ड एग्जाम में बना दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कहेंगे कि ध्यान रहे न्यूमेरिकल को ध्यान से बनाना है, पूरा अंत तक जाना है, और मैं आपको स्टेप भी बता दूं कि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के फार्मूला से आपको अकेले अकेले कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लेना है और उसको फिर पैरेलल वाले फार्मूला पे लगा देना है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला याद कर लीजिए, देखिए ये जो फार्मूला मैं बक्सा में भी घेर रहा हूं ये आपको सीरीज का होता है, और इधर जो मैं बक्सा में घेर रहा हूं बॉक्स में घेर रहा हूं ये आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये होता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ बच्चे हमेशा कहा करते हैं कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, बिल्कुल गांव के तरीके से समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को इसीलिए इस तरीके से बोलकर समझाता हूं ताकि हम लोगों में बिल्कुल एक फ्रेंडियल रिलेशन बन जाए, आप थोड़ा भी ऐसा ना महसूस करें कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं, वो टीवी से, वो मोबाइल से पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बल्कि आपको लगे कि बिल्कुल घर के तरीका से पढ़ रहे हैं, और ऐसे समझाने पर ना वीडियो पे बिल्कुल जोड़ आता है, वीडियो में दम आ जाता है, इसलिए तो आप लोगों को कह रहे हैं कि मात्र 10 दिनों में चैनल 2500 मतलब कि 2500 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है, और ये आपके सिर्फ सपोर्ट के कारण हो पाया है, आप लोग जैसे सपोर्ट करते रहिएगा और वैसे ही चैनल आगे बढ़ते रहेगा, और हम इसी तरीका से आपको बिल्कुल बोल बोलकर भाई जैसा बिल्कुल घर जैसा बोल बोलकर आपको समझाते रहेंगे सिखाते रहेंगे। और जो बच्चे वीडियो को देखकर मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप लोगों का सिलेबस मैं खत्म करवा दूंगा बिल्कुल समय पे, आप लोगों को बिल्कुल नहीं चिंता करना है, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कि ये बात एस मनी सर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल खत्म होगा, मतलब कि खत्म होगा आप लोगों के एग्जाम से पहले दिसंबर के लास्ट तक पूरा बढ़िया से मैं सिलेबस खत्म करवा दूंगा। हाँ ये बात हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा क्लासेस करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के ऑफिस में यही रहता है कि सर क्लास खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा चिंता नहीं करना है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरा बढ़िया से समझा कर खत्म करवा देंगे एक एक चीज क्लियर करवा के, और ये भी कहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में ना जो क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन किए बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 ही बढ़िया नंबर आ जाएगा, आपको सोचना नहीं है उसके लिए। तो चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का व्यंजक लिखें, ठीक है ना, कहा जा रहा है राइट करने के लिए, लिखने के लिए, डिराइव करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, डेरिवेशन तो मैं डेली के डेली डालने के लिए कोशिश कर ही रहा हूं, आज मैंने एक डाला भी है कि मैं आपको डेरिवेशन रोज डालूं, तो कहा जा रहा है कि समानांतर प्लेट के संधारित्र का धारिता का सिर्फ व्यंजक लिखना है, और इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर और बी नंबर, ए में कहा जा रहा है कि कब लिखिए धारिता का व्यंजक, कब लिखिए कैपेसिटेंस का व्यंजक, तब व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस्ड बिटवीन बोथ प्लेट, मतलब कि जब प्लेट के बीच प्रवैधुतांक के का एक माध्यम दोनों प्लेटों के बीच में, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक का जो प्लेट है सॉरी कैपेसिटर का जो प्लेट है उसके बीच मैंने पूरा के पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया तब कितना कैपेसिटेंस होगा, तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। और क्वेश्चन बी में कहा जा रहा है व्हेन ए स्लैब ऑफ थिकनेस टी प्लेस्ड बिटवीन प्लेट,
कहा जा रहा है कि प्लेट के बीच जब हम लोग टी थिकनेस का टी मोटाई का एक प्रावैधुत डाल दिए हैं, स्लैब डाल दिए हैं, तो कितना होगा कैपेसिटेंस, तो कितना होगा धारिता। और यह भी कहा जा रहा है जो टी का वैल्यू है, मतलब थिकनेस का वैल्यू है, ये डी से कम है, यानी हेयर डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट, मतलब प्लेट के बीच जो दूरी है उससे कम मोटाई का डायलेक्ट्रिक है। अब कहिएगा कि सर दोनों क्वेश्चन में तो यही कहा जा रहा है। नहीं भाई, दोनों में नहीं कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लेट के बीच ना जो मैंने डायलेक्ट्रिक रखा है वो पूरा का पूरा भर दिया, पूरा का पूरा, और दूसरे में कहा जा रहा है कि पूरा नहीं भरा, मैंने कुछ ही मोटाई का डाला है। ठीक है, तो हम दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे जाकर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ए नंबर का आंसर तो मैंने ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन में पहले ही बताया था, और यहां पे कहा भी जा रहा है कि जब आपके पास कोई कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच मैंने पूरा भरकर डायलेक्ट्रिक रख दिया, पूरा का पूरा, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कितना आएगा कैपेसिटेंस। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहले ही बताया था, मैं बता दूं कि जब प्लेट के बीच में हवा रहता है, कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रहता है, उस समय कैपेसिटेंस सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेकिन जब मैं बीच में डायलेक्ट्रिक डाल देता हूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहां पे कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है, यानी के से ऊपर में गुना हो जाता है। तो आप आंसर मिक्स तरीका से लिख दीजिएगा कि सी, सी के आगे लिख दीजिएगा कैपेसिटेंस, यहां लिख दीजिएगा कैपेसिटेंस, जो बच्चे हिंदी के होंगे वो लिखेंगे धारिता, यहां लिख दीजिएगा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के। और यहां इस बात को लिख भी दीजिएगा, हेयर मतलब यहां, यहां जो ए है वो लिखिएगा एरिया ऑफ प्लेट, इसे लिखना बहुत जरूरी है। देखिए आपको सिर्फ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहां ए क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, डी क्या है, तो यहां लिखिएगा ए बराबर एरिया ऑफ प्लेट, ए बराबर एरिया ऑफ प्लेट, सब लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं हिंदी में लिखिएगा प्लेट का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट को बोलिएगा आप लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, हवा का जो आपको परमिटिविटी होता है वो आपको, और डी जो होता है ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच का जो दूरी होता है वो, और के हो आपका तो बताया ही क्वेश्चन में कि के जो होता है आपका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसे समझ गए तो आते हैं बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर क्वेश्चन पे, कि बी नंबर में क्या कहा जा रहा है। तो बी नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपके पास जो डायलेक्ट्रिक है, अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, तो पूरा में डायलेक्ट्रिक नहीं डाले बल्कि कुछ ही दूर में डाले हैं, और डायलेक्ट्रिक की जो मोटाई है, देखिए माउस के कारण बढ़िया से फिगर नहीं बन पाता है, आप लोग बढ़िया से किताब से देखकर फिगर बना लीजिएगा, ये जो मोटाई है डायलेक्ट्रिक का वो टी है। तो इस समय जो कैपेसिटेंस सी आता है वो आता तो है ऐसे ही ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मैं कह रहा हूं वो आता तो ऐसे ही है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो जाता है, यहां पे नीचे कुछ घट जाता है, डी माइनस टी इंटू, ध्यान दीजिएगा टी इंटू ओ वन माइनस ओ वन बाय के, यानी यहां जो कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और नीचे में ही माइनस में टी इंटू वन माइनस ओ वन बाय के। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला आया ना डायरेक्टली डालने पे, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका और पूछता भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ना इसको बढ़िया से ड्राइव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे तो मैं बताऊंगा ही आजकल में इसका डेरिवेशन, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग बुक से भी पढ़ा कीजिए, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ही ज्यादा नॉलेजेबल बनिएगा, जो आपके सर बताएंगे उनके नोट से भी पढ़िए। खैर यहां पे आप आंसर इस तरीके से लिख लीजिएगा, और यहां पे लिख दीजिएगा कि हेयर, यहां पे ए जो है एरिया का प्लेट है, प्लेट का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, हवा का जो आपका होता है परमिटिविटी वो है, और डी है वो प्लेट के बीच का दूरी है, और टी है जो स्लैब की मोटाई है, और यहां के है जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इतना आप लिख दीजिएगा, लिखने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बढ़िया से आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा ही एक दो वीडियो में, इसलिए आप लोग को चिंता ज्यादा नहीं करना, लेकिन याद रखना है यार, याद रखना है कि जब हम टी मोटाई का डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ टी मोटाई का डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन बाय डी माइनस टी इंटू वन माइनस ओ वन बाय के। आप लोग इस आंसर को याद रखिएगा, पहले का भी याद रखिएगा, ए एप्सिलॉन बाय डी इंटू के, कब, जब बीच में डायलेक्ट्रिक पूरा के पूरा भरा हुआ हो तब, और ये आंसर याद रखिएगा तब जब बीच में डायलेक्ट्रिक पूरा में नहीं बल्कि कुछ ही में भरा हुआ हो तब। और आपको यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले वीडियो से जो क्वेश्चन आएगा वो करंट चैप्टर का आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का आएगा, इसलिए अगले दिन से आपको करंट का सिखाएंगे। ऐसे ही करते 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 आपका सारा का सारा पढ़ाई लिखाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। वैसे तो क्वेश्चन सिलेबस का भी आएगा, टेंथ का भी आएगा, नाइन्थ का भी आएगा, अपर लेवल के क्लासेस का भी आएगा, सारे का आएगा। इसलिए बिल्कुल जो बच्चे कमेंट करके बार बार बोलते हैं कि सर टेंथ का क्वेश्चन डालिए, सर इलेवंथ का डालिए, सर एट का डालिए, नाइन का डालिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है भाई, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।